सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में इमेज के चारों ओर बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर क्रिएट करना जानेंगे, उसके बाद उस बॉर्डर की थिकनेस यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कम या ज्यादा कैसे करते हैं ये जानेंगे। गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गूगल डॉक्स के पेज पे हमने ये इमेज ली हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इमेज पे क्लिक करना होगा। ये देखिए, हमने इमेज पे क्लिक किया और चारों ओर आपको ये सर्किल और स्क्वायर दिखने लग गए, इसका मतलब ये इमेज सेलेक्ट हो गई। इमेज सेलेक्ट होने के बाद आपको कई सारे नए ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉर्डर डैश है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये तीन तरह के ऑप्शन आपको देखता है, जब इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन दे रहा है, डॉटेड बॉर्डर दे रहा है और ये डैश वाले बॉर्डर, यानी कि इन तीनों तरीके के बॉर्डर आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने लाइन वाला बॉर्डर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि चारों तरफ एक लाइन बन करके आ गई। अब इस बॉर्डर की अगर थिकनेस हमें इंक्रीज करनी है तो देखिए उसके जस्ट बगल में ये देखिए बॉर्डर की विड्थ जो है बढ़ाने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अपने हिसाब से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए 12 PT हमने यहाँ से ले लिया तो आप देखेंगे कि चारों ओर बॉर्डर क्रिएट हो गया और उसकी जो थिकनेस थी वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है।